मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ लोरियल पैरिस का 6 ऑयल नरिशिंग कंडीशनर फॉर स्कैल्प एंड हेयर। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो और रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स का रिव्यू वीडियो और कपड़ों का हॉल वीडियो करती हूँ, आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक कंडीशनर है जो कि दूसरे कंडीशनर से इसको थोड़ा अलग बनाता है, क्योंकि ये स्कैल्प और हेयर दोनों के लिए है। हम जनरली देखते हैं कि कंडीशनर सिर्फ हमारे हेयर टिप पर ही लगाना होता है, हमको उसको स्कैल्प में नहीं लगाना होता, पर ये वाला जो कंडीशनर है हमारे स्कैल्प प्लस हमारे हेयर यानी ऑल ओवर हमारे हेयर पर हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे स्कैल्प और हेयर दोनों को ही नरिश करने में बहुत बेनिफिशियल है। तो इसमें जो कंटेंट है वो है 6 नरिशिंग ऑयल। तो इसमें जो 6 नरिशिंग ऑयल है, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैमेलिना ऑयल, ऐसे जैसे 6 नरिशिंग ऑयल से ये बना हुआ है। तो ये हमारे जो स्कैल्प है उसको नरिश करता है, उसको पोषण देता है। जैसे कि हम अपने बालों को ऑयलिंग करने के बाद हमारे बालों को एक जैसा पोषण मिलता है, हमारे बाल नरिश होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है हमारे बालों को नरिश करने का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करने के साथ ये हमारे बालों को नरिश भी करता है और हमारे बालों को मजबूती भी देता है। अगर आपको डेली बेसिस पर ऑयल नहीं करना है या फिर आप हफ्ते में या 15 दिन में ऑयलिंग नहीं करते, तो बस आप ये अगर कंडीशनर यूज़ करते हो तो आपको ऑयल के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है लॉरियल पैरिस का 6 ऑयल नरिश। ये स्कैल्प और हेयर हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी। और यहाँ पर लिखा है कि ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट, थिक और मैनेजेबल भी बना देगा। और ये स्पेशली जो कंडीशनर है वो है ड्राई और डल हेयर के लिए है। अगर आपके बाल बहुत ही रुके सूखे ड्राई है तो आप ये वाला कंडीशनर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मेरे भी बाल कुछ ऐसे ही है, तो जब से मैंने ये ट्राई करना है तो मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला बाकी कंडीशनर से। और ये स्कैल्प को भी नरिश करता है, तो बालों को भी एक मजबूती आ जाती है और ये काफ़ी मैनेजेबल और शाइन भी देता है बालों को। तो दोस्तों, ये है ये आती है 192 ml की बोतल, यानी लगभग 200 ml की ये बोतल है, और हमने यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा भी दिया है। और इसकी जो प्राइस है वो है 185 rupees, पर अमेजोन पे आपको इससे भी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बॉटल में आती है, और इसका शैम्पू भी मिलता है 6 ऑयल नरिश का। अगर आप उसके साथ आपको इसको टीम अप करोगे तो उसका आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। जैसे अगर आप 6 ऑयल नरिश का शैम्पू और उसके बाद ये कंडीशनर यूज़ करते हो तो ये आपके बालों के लिए डबल बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई और डैमेज है तो उनके लिए तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा कंडीशनर रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का इस प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि लॉरियल पैरिस का 6 ऑयल नरिशिंग कंडीशनर स्कैल्प प्लस हेयर के लिए था। आई होप आपको इस वीडियो का, इस प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।